मैं अमित सिंह और हम अभी खड़े हैं राजमहल परियोजना के कोयला इस खदान में, और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लगभग काम आज बंद है क्योंकि संपूर्ण मजदूर संघ के द्वारा यहाँ पर जो है आह्वान किया गया था हड़ताल का। यह पूरा कामकाज कोल इंडिया का ठप है, जैसा कि लेकिन हमारे जब सीजीएम साहब से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि इस हड़ताल का असर ज्यादा यहाँ पर कुछ नहीं पड़ पाया है क्योंकि सुबह कुछ घंटे तक का असर पड़ा था और उसके बाद फिर 10 बजे से यहाँ पर परिचालन चालू है, जैसा कि हमने देखा। हम आपको दिखाएंगे भी कि यहाँ पर ढुलाई अभी भी चालू है, लेकिन यहाँ पर मजदूर संघ के कोई भी सदस्य, कोई भी नेतागण यहाँ पर दिख नहीं रहे। लोगों का माने तो हमें जैसे सूचना मिली थी कि 10 बजे से पहले तक यहाँ पर वो मौजूद थे, उसके बाद प्रेस को संबोधन करने के बाद वहां से अपने गेट पर से यहाँ पर से चल जा चुके हैं। यहाँ पर कोई भी नहीं है और आगे देखते हैं कि इस हड़ताल का क्या रूपरेखा होता है और ये क्या हड़ताल क्या रंग ला सकती है। केंद्र सरकार द्वारा कोल माइनिंग में 100% विदेशी निवेश की मंजूरी के बाद पूरे देश में विरोध के स्वर उठने लगे हैं। इस फैसले के विरोध में देश के तमाम प्रमुख मजदूर ट्रेड यूनियन के संयुक्त तत्वाधान में पूरे देश में कोल माइनिंग परियोजना में पूर्णतः बंदी का आह्वान बुलाया गया था, जिसमें आज गोड्डा जिले में स्थित राजमहल परियोजना में भी इस बंदी का असर साफ तौर पर देखने को मिला। सभी मजदूर ट्रेड यूनियन के संयुक्त रूप से एकजुट होकर इस बंदी को सफल बनाने में सक्रिय दिखे। ऊर्जानगर से लेकर परियोजना तक लोग इस हड़ताल को सफल बनाने में सक्रिय दिखे। परियोजना में सभी कामों को जाकर रोका गया, हालांकि कोयला की ढुलाई करते एक आध डंपर को देखा गया, लेकिन कोई भी कर्मचारी काम पर नहीं पहुंचे हैं। वहीं जब बंदी के बारे में इस मौके पर मौजूद जनरल मैनेजर ओपी से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि बंदी का असर सुबह के 10 बजे तक था, लेकिन अब सुचारू रूप से नियमित रूप से ये काम चल रहा है। और शॉट भी आप देख रहे हैं ना, तो इसका थोड़ा वीडियो जो भी लेना लेना जी। हाँ, थोड़ा पीछे करिए क्लास, इसके चलते दिक्कत हो रही है। बारिश नहीं होने से हमारा सारा गाड़ी चल चल जाता है, वो भी सुबह से चल ही रहा था। नहीं, हड़ताल का कोई प्रभाव फिलहाल इस परियोजना पे नहीं पड़ा है। सुबह में पड़ा था लेकिन अभी 10 बजे के बाद से फिर खत्म हो गया, कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन बारिश की वजह से प्रॉब्लम आ गया। उन्होंने यह भी कहा कि काम की रफ्तार धीमी बारिश की वजह से हुई है, न कि हड़ताल की वजह से। वहीं इस बारे में जब मजदूर संघ के से जुड़े स्थानीय नेता अशोक शाह से पूछा गया तो उन्होंने परियोजना से कहा कि परियोजना ने इस हड़ताल को असफल करने का हर संभव प्रयास किया था, लेकिन सभी मजदूर और कर्मचारियों ने खुलकर इस बंदी का समर्थन किया है। वहीं महागामा के पूर्व विधायक राजेश रंजन ने भी इस बंदी को सफल बताया है। उन्होंने स्वेच्छा से आज के हड़ताल में अपना योगदान दिया। उत्पादन और प्रेशर टोटल बंद है। कुछ जो हमारे अधिकारी हैं सरकार के इशारे पर कर रहे हैं या अपना वाहवाही लेने के चक्कर में है। चतरा और पलामू से और बंगाल से 4-5 ड्राइवर को, हवा चालक को हायर करके लाए हैं और वह EMPL का जो OB में गाड़ी चलती है उस गाड़ी में उन लोगों को बैठा करके भी हम लोगों को पता चला। हालांकि हम लोग माइंस पूरा घूमे, इस तरह से हम लोगों को नहीं मिला, लेकिन सूचना मिली है कि चतरा पलामू बाहर के आदमी को जो वह कैंप में रखता है उसको लेकर के वह 4-5 गाड़ी को चलवाने मौके पर हम भी वहाँ, हम लोग भी वहाँ मौजूद थे। हाँ। और जब हमने देखा कि कुछ डंपर चल रहा था तो मौके पर GM जो है उसी किशोर कुमार जो है वहाँ पे मौजूद थे। उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हड़ताल का असर तो 10 बजे तक दिन तक था, उसके बाद अभी जो है नदारत है। और ये काम जो भी हल्का फुल्का जो आप जो काम में ढिलाई देख रहे हैं वो बारिश के कारण हुआ है, हड़ताल का कोई इस पे असर नहीं है, तो इस पर आप क्या करना चाहते हैं? ये तो अब किशोर कुमार जी को कहाँ से यह सब रिपोर्ट हुआ, आज वो क्या खा पी करके घूम रहे हैं, किस सेंस से बोल रहे हैं। लेकिन जब कामगार ने जब हाजिरी ही नहीं बनाया तो फिर उत्पादन और प्रेषण कैसे हो रहा है? हमको तो उनके GM जैसे पद पर बैठे रहना और इस तरह का बात बोलना, ये तो हास्यास्पद लगता है। और हमें लगता है कि नहीं, जब कामगारों की उपस्थिति 10% है तो फिर उत्पादन होने का क्या मामला हो सकता है, बता दीजिए। और कहा कि एक आध डंपर द्वारा ढुलाई जो की जा रही है वो प्राइवेट कंपनियों द्वारा काम किया जा रहा था, लेकिन उसे भी पूर्णतः बंद करवा दिया गया है और ये बंदी 24 घंटे तक रहेगी और इस बंदी को उन्होंने पूर्णतः सफल कहा है। जो कोल स्टॉक है, जो पर डे उत्पादन होता है और जो डिस्पैच होता है, इसका अगर निष्पक्षता से जांच किया जाए तो आज लाखों टन कोयला का शॉर्टेज मिलेगा, जिसका कि लोग कागजी खाना पूरी करके अपना कहीं ना कहीं उत्पादन शो करते हैं। आज भी हो सकता है ऐसा ही करे, जबकि ये बात वास्तविक है। आप लोग गए होंगे तो देखे होंगे डंपर खड़ी है, कोई चालक नहीं है और 2-4 डंपर वह ओबी का उसमें चलवा करके क्या कर सकता है, अनुमान लगेगी। और यहाँ पर 100-150 की आपका नाम
मेरा नाम अशोक साहू, पूर्व उपाध्यक्ष जिला परिषद गोड्डा, इसे किसान सेवा दल सचिव है गोड्डा के। आज जो ये हड़ताल जो मतलब किस स्थिति में है अब तक? हड़ताल अभी तक पूरी राजमहल परियोजना में पूरा ठप है। प्राइवेट कंपनी दो चार डंपर चलाने का प्रयास किया, वो भी जो है अनलोड नहीं हो पाया। ऑपरेटर को जो है कहा गया भैया आपका संगठित क्षेत्र हो या वो संगठित क्षेत्र ही आपका मामला है, आपका आपका हक का अधिकार है। इसलिए उन्होंने भी समझ कर मजदूर अपने स्वतः जो है काम पर जो बंद कर दिया, एक भी कोयला जो है अनलोड नहीं। लेकिन जब इस बारे में जीएमओसी से हमारी बात हुई किशोर कुमार से, तो उन्होंने कहा कि परिचालन चालू है और इसका असर 10 बजे तक था, उसके बाद इस हड़ताल का कुछ खास असर परियोजना पर नहीं बात है। जीएम साहब बहुत प्रयास किए लेकिन एक भी कोयला उसका जो है जहां गिरना था वो नहीं गिर पाया। उन्होंने अपना प्रयास किया, कंपनी के द्वारा से दबाव देकर, मजदूरों पर दबाव देकर प्रयास किया। इन मजदूर जो है सोचा कि हमारी अपनी अधिकार है, इसलिए मजदूर भी उनकी बात को नहीं माना, पूर्ण रूपेण बंद है। और मैं अमित सिंह और हम अभी खड़े हैं राजमहल परियोजना के कोयला इस खदान में, और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लगभग काम आज बंद है क्योंकि संपूर्ण मजदूर संघ के द्वारा यहाँ पर जो है आह्वान किया गया था हड़ताल का। यह पूरा काम काज कोल इंडिया का ठप है जैसा कि। लेकिन हमारे जब सीजीएम साहब से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि इस हड़ताल का असर ज्यादा यहाँ पर कुछ नहीं पड़ पाया है क्योंकि सुबह कुछ घंटे तक का असर पड़ा था और उसके बाद फिर 10 बजे से यहाँ पर परिचालन चालू है, जैसा कि हमने देखा। हम आपको दिखाएंगे भी कि यहाँ पर ढुलाई अभी भी चालू है, लेकिन यहाँ पर मजदूर संघ के कोई भी सदस्य, कोई भी नेतागण यहाँ पर दिख नहीं रहे। लोगों का माने तो हमें जैसे सूचना मिली थी कि 10 बजे से पहले तक यहाँ पर वो मौजूद थे, उसके बाद प्रेस को संबोधन करने के बाद वहां से अपने गेट पर से यहाँ पर से चल जा चुके हैं। यहाँ पर कोई भी नहीं है और आगे देखते हैं कि इस हड़ताल का क्या रूपरेखा होता है और ये क्या हड़ताल क्या रंग ला सकता है।